नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म की 27वें दिन की कथा, अध्याय 27 में दृढ़धन्वा का तप एवं स्वर्ग गमन तथा एक बानर की कथा। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़धन्वा राजा ने उनको नमस्कार किया और फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुँचाकर अपने महल को लौट आया। अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्स्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों का क्या सुख है। क्रीड़ा विष्ठा और राख नामधारी और वात पित्त और कफ से युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त इस देह में क्या मोह है। हे प्रिये, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखित हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्रवधु के अधीन हो पराए घर में लानत व फटकार आदि सहते हुए रहती है। पिता भाई पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसा पति भर्ता के साथ कौन सी स्त्री रह जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगे। ऊपर की तरफ हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील एवं सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगे और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पतिलोक को गई। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, मेरे एक जिव्या है, अतः इस समय में उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन अर्थात उसकी आराधना से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी उपवास दान स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए थे, वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था
तथा मृत्यु से रहित हो दिव्य लोक को चला गया था। इसलिए सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म भी सफल है, जो स्नान दान जप उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेदों में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहाँ है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया, यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची और कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण इस लोक में वह कदर्य नाम से विख्यात हो गया था। उसके पिता का नाम रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल दान दिया, न कार्तिक मास में दीप दान किया, न ब्राह्मण भोजन कराया। वैशाख मास में अन्न दान और व्यतिपात में स्वर्ण दान और वैघ्रति में चांदी का दान भी नहीं दिया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं दिया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी न कभी जप किया न हवन किया। वर्षा वायु और धूप से दुखित दुबला काला शरीर आँखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ दूहते हुए समय तक अर्थात रात होने तक कभी भी नहीं बैठता था। वह जहां भी जाता लोग उसे धिक्कारते थे। इससे वह जलाभुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में अब मेरा रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को उस पर दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका संभला दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। उसके बाद माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजमहल में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपनी नौकरी में अत्यंत व्यस्त हो गया, जिससे समय न मिलने के कारण वह अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर कदर्य निर्भय होकर फलों को आनंद से खूब खाता था और बाकी के बचे हुए फलों को बेच देता था तथा उसकी बिक्री का सब धन निर्भय होकर स्वयं ही रखता था। जब कभी माली उससे पूछने लगता तो वह उसके आगे असत्य बोलता कि मैंने नगर में फिर फिर कर भिक्षा मांग मांग कर आपके वन की दिन रात रक्षा की है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आकर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं, जिनके मांस और पंख सब जगह पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता था।
इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि कदर्य वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ, यमदूतों के मुदगरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग पर चल पड़ा। ये किए हुए कुकर्मों को याद करके प्रलाप करता था, अहो मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म को खोया, और जो मैंने बहुत दिनों तक धन इकट्ठा किया वह भी मेरा ना हुआ, वह भी सब दूसरों का होकर उन्हीं के काम आएगा। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पाश में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य में नहीं किए, न दान हवन न तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान किया, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न ही कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातःकाल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ के लिए देने वाला मनुष्य शरीर भी केवल खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधव, बहन भांजा, जवाई पुत्री, पिता माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी कभी संतुष्टि नहीं दी, और ना मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज धन का लोभी यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर उसके साथ विश्वासघात किया है। यह स्वयं फलों को चुरा कर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ से बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, ये दोनों पाप अत्यंत उग्र हैं और इसके ऊपर भी अनेकों पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्मों तक बंदर की योनि में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 27वां अध्याय समाप्त।